कांग्रेस जाहिर तौर पर सवाल उठा रही है, सत्ता पर सवाल उठा रहा है कि जो इवन कल अनुप सिंह ने भी कहा था कि जो बीजेपी के नेता नहीं है उन पर इस तरह से रेड चलती रहेगी, जो बीजेपी की बात नहीं मानते उनको ऐसे प्रताड़ित किया जाएगा। अब पता नहीं ये क्यों एजेंसियों के जांच को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। भाई हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एसआईटी इन्वेस्टिगेशन को 10 घंटे फेस किया था, हम लोगों ने तो कभी उस समय प्रश्न नहीं उठाया। लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी ने भी सीबीआई इंक्वायरी को फेस किया था और सीबीआई दफ्तर गए थे, तो उस समय तो किसी ने राजनीतिक रंग नहीं दिया था इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि हमारे नेता पाक साफ थे। लेकिन इनके पास लगता है छिपाने को काफी कुछ है, तभी एजेंसियों की कार्रवाई को ये राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं, ये तो करोड़ों की रिकवरीज की बात आ रही है, ये मीडिया में आई खबरों के आधार पर मैं कह रहा हूं, तो साफ है कि दोनों विधायकों के पास छिपाने को काफी कुछ है, तभी उनकी पार्टियां राजनीतिक बयानबाजी करके जनता का ध्यान इस बड़े करप्शन के इश्यू से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच में आज मुख्यमंत्री को समन किए जाने के खिलाफ जेएमएम और जेएमएम के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, यूपीए कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करेंगे हर जिला मुख्यालय पर। उनका कहना है कि राजनीतिक तरीके से जवाब दिया जाएगा इस सारी चीज का। देखिए ये बड़ा रेयर होता है कि जब कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक गठबंधन जनता के मुद्दों को छोड़कर भ्रष्टाचार के पक्ष में कोई अगर आंदोलन करे, तो ऐसा झारखंड में देखने को मिल रहा है। आज भ्रष्टाचार के पक्ष में सारे राजनीतिक दल जो हैं जिला मुख्यालयों पे धरना दे रहे हैं। भाई भ्रष्टाचार के पक्ष में इसलिए कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस केस में सम्मान हुआ वो तो सीधा सीधी करप्शन का केस था, 1000 करोड़ का स्कैम था और ये स्कैम केंद्र के राज्य के संरक्षण में चलता रहा, तो उसकी जानकारी मुख्यमंत्री या उनके करीबियों को नहीं थी, ये तो समझ से बाहर है। तो इस एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन ये सड़क पर उतर कर और जनता के मुद्दों पे ये सड़क पर नहीं उतरे हैं, ये तो भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़े हुए हैं। कल जब अनुप सिंह के घर पे छापेमारी चली थी बेरो में, वहां पर एक कार मिली जिसमें बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ था, बीजेपी कार पास का स्टिकर था, उसके बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनको तो शर्म नहीं आती है, इस तरह से एकदम नैतिकता ही छोड़ दिया है, बीजेपी गाड़ियां इस्तेमाल करके एजेंसी से आ रही है, तो क्या समझा जाए? देखिए मुझे लगता है इसका जवाब तो बेहतर तरीके से आईटी विभागी दे सकती है कि वो किसकी गाड़ी उन्होंने हायर की थी, लेकिन सामान्य तौर पर जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो गाड़ियां जो थी वो चलती थी टैक्सी के रूप में और टैक्सी में शायद वो किसी दूसरी रैली में गई थी, तो इसलिए लगा हुआ था। तो इसमें राजनीतिक रंग देकर इस पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब मुझे लगता है ये ऐसे इशू को ये पकड़ रहे हैं, ये बड़े इशू को नहीं देख रहे हैं। 1000 करोड़ का स्कैम हो गया, इनके करीबियों के घर में करोड़ों रुपये बरामद हुए, एक अधिकारी के सीए के घर 25 करोड़ रुपये बरामद हुए, वो इन्हें नहीं दिख रहा।